दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी को जान से मारने की धमकी मिली है। इस बारे में मनोज तिवारी ने कहा है कि शुक्रवार को उन्हें एक अनजान शख्स की ओर से एक मैसेज मिला जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। वहीं मनोज तिवारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस से इसकी शिकायत की है। पुलिस शिकायत दर्ज करके मामले की जांच में जुट गई है। लखनऊ में बीएसपी की बैठक में मायावती का बड़ा फैसला, भाई आनंद को दोबारा पार्टी का बनाया उपाध्यक्ष, भतीजे को बनाया नेशनल कोऑर्डिनेटर। मायावती शासनकाल के 45 कर्मचारियों की भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति की जांच सतर्कता अधिष्ठान ने शुरू कर दी है। ये जांच लोकायुक्त की रिपोर्ट के आधार पर शुरू की गई है। सतर्कता अधिष्ठान के सूत्रों ने बताया है कि लोकायुक्त ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल के माध्यम से शासन को भेजी थी। रिपोर्ट में खनन विभाग के उन 45 कर्मियों का कच्चा चिट्ठा है जिन्होंने स्मारकों के निर्माण में नियमों को दरकिनार करते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया और राज्य सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी में दूसरा दिन, जहां स्मृति ईरानी कलेक्ट्रेट पहुंचकर वहां अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक कर रही हैं। बिहार में चमकी बुखार से शनिवार को 3 और बच्चों की मौत हो गई, वहीं 6 नए बच्चे भी भर्ती किए गए। शनिवार को 2 बच्चों की एसकेएमसीएच में जबकि 1 बच्चे की मौत सदर अस्पताल पहुंचने पर हो गई। मौत का आंकड़ा अब तक 173 के पार पहुंच चुका है। एसकेएमसीएच में अज्ञात बुखार से पीड़ित भर्ती बच्चों के इलाज में लापरवाही को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव कौशल किशोर ने डॉक्टर भीमसेन कुमार को निलंबित कर दिया है। अपर सचिव ने बताया है कि औचक निरीक्षण के दौरान वो ड्यूटी से गायब थे, उनके साथ अन्य डॉक्टर भी गैर हाजिर पाए गए थे। इस राज में नरकंकाल न मिलेगा तो और क्या मिलेगा? इस राज कोई देखता है? जहां ही टोइएगा तो ही सारा हुआ। स्वच्छता अभियान भारत सरकार का कहां गया? श्री कृष्ण अस्पताल में नहीं पहुंचा मुजफ्फरपुर में? ये मैं सवाल उठाता हूं। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है। मुलायम सिंह यादव को चेकअप के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उन्हें ऑब्जर्वेशन रूम में रखा गया है। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में अनुशासनहीनता के आरोप में बीजेपी विधायक प्रणव सिंह चैंपियन को पार्टी से 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। निलंबित विधायक पर आरोप है कि उन्होंने खुलेआम बीजेपी के दूसरे विधायक देशराज कर्णवाल को जान से मारने की धमकी दी, साथ ही साथ दिल्ली में एक पत्रकार को भी जान से मारने की धमकी दी थी। दिल्ली सरकार अपने स्कूलों में सीबीएसई की ओर से छात्रों से ली जाने वाली परीक्षा फीस का भुगतान अगले साल से करेगी। ये घोषणा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक कार्यक्रम में की। योग दिवस में हिस्सा नहीं लेने पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी की तुलना पाकिस्तानी पीएम इमरान खान से की है। दिल्ली के वसंत विहार में एक बुजुर्ग दंपति की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। घर में उनकी नौकरानी के भी शव मिले हैं। 3 की हत्या किसी धारदार हथियार से गला रेत कर की गई है। वसंत कुंज में रहने वाले बुजुर्ग विष्णु माथुर सीजीएचएस से और उनकी पत्नी शशि माथुर एनडीएमसी से रिटायर हुई थी। वहीं नौकरानी का नाम खुशबू नौटियाल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। लूटपाट या रॉबरी इस हत्या का मोटिव प्राइम एफ ऐसे ही नहीं लग रहा है और अभी तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, सो कोई भी एंगल को बंद नहीं किया है। सो ऑल पॉसिबिलिटीज पे पुलिस टीम्स जो हैं वो काम कर रही हैं।
दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में हुए ट्रिपल मर्डर पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली में बढ़ते अपराधों को रोकने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। साथ ही सिसोदिया ने पूरे दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने की जरूरत की बात कही है। दिल्ली में जिस तरह से क्राइम लगातार बढ़ रहा है और विशेषकर महिलाओं के खिलाफ जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, उसमें दिल्ली सरकार की भूमिका यही हो सकती है कि चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरे लगाए और उनको इस तरह से इंटरेक्ट उनको एक्टिव करे कि आरडब्ल्यूए के हाथ में, पुलिस के हाथ में उसकी लगातार फीड हो। ईडी ने मुंबई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। ईडी ने कहा है कि हम मेहुल चौकसी को मेडिकल सुपरविजन में एंटीगुआ से भारत लाने के लिए मेडिकल विशेषज्ञों की टीम के साथ एयर एम्बुलेंस देने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश की नीमच जेल से कैदियों के फरार होने की खबर के बाद हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि नीमच जिला जेल से तड़के साढ़े चार बजे के आसपास जेल के बैरक संख्या 11 से 4 कैदी सरिया काटकर फरार हो गए। जेल की चारदीवारी के बाहर से किसी ने रस्सी के जरिए उन्हें फरार कराया है। फरार कैदियों में से 2 मध्य प्रदेश और 2 राजस्थान के फरार कैदियों को पकड़ने के लिए पुलिस तलाशी अभियान चला रही है। यूपी के रामपुर में पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू कश्मीर के शोपिया के दारूम दोरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुठभेड़ में मारे गए 4 आतंकवादी, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। ईस्ट दिल्ली के मयूर विहार इलाके में पूर्व महिला पत्रकार की कार पर हुई फायरिंग, जिससे महिला के दाहिने हाथ में गोली लग गई है। पुलिस ने आनन-फानन में पास के ही धर्मशीला अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया, जहां फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के सफदरजंग इलाके के आसपास कुछ झुग्गियों में अचानक से आग लग गई। आग लगने से झुग्गियों समेत सारा सामान जलकर राख हो गया। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के काम में जुट गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। वहीं घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यूपी के बुलंदशहर में शादी से एक दिन पहले होने वाले दूल्हे पर हुई फायरिंग, हमले में घायल दूल्हे के अस्पताल ले जाते वक्त हुई मौत, मृतक को 3 गोलियां लगी थी। हिस्ट्री शीटर के बेटे नितिन बाटा पर हत्या का है आरोप। पुलिस हत्या के कारणों और हत्यारे की तलाश में जुट गई है। वहीं शादी के घर में मातम पसर गया है। यूपी के बुलंदशहर में कॉल करने के लिए मोबाइल न देने पर युवक को गोली मार दी गई। आरोपी गोली मारकर मौके से फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के मेरठ में नौचंदी मेले में जिला पंचायत अध्यक्ष और उनके साथियों की गुंडागर्दी, दुकानदार से की वसूली, विरोध करने पर जिला पंचायत अध्यक्ष और उसके साथियों ने दुकानदार से मारपीट भी की है। यूपी के मुरादाबाद कोर्ट परिसर में एक महिला के साथ की गई मारपीट, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कई लोग इस महिला को घसीटते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई में एमएनएस की महिला का छाड़ भी की, तेजाब डाल दिया और मेरी बच्ची का गला घोट कर कुएं में फेंक रहे थे। खालिया सास थी मेरी, ससुर थे। आप कितने लोग थे? आपको किन किन लोगों ने मारा था? 6 लोगों ने मारा था। आपके साथ दूसरे आपके पापा थे, उन्हें भी मारा था? पापा को भी मारा था, मम्मी को भी मारा था। मुंबई में एमएनएस की महिला कार्यकर्ता ने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के टिकट बेचने वाले सरकारी कर्मचारी की पिटाई कर दी। टिकट बेचने वाले ने महिला यात्री का मोबाइल चुराकर अपने ड्रॉअर में रख दिया था, जिसके बाद महिला ने उसकी जमकर पिटाई कर दी।
रामपुर में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब की भट्टियों को तोड़ा है। गंदे नाले के किनारे बनाई जा रही थी अवैध शराब। कश्मीर के अनंतनाग जिले के डोरू में एक तेंदुआ मृत पाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि, बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर बोले जेपी नड्डा, कहा व्यर्थ नहीं जाएगा उनका बलिदान। नेहरू और पाकिस्तान के लियाकत अली के बीच में जो पैक्ट हुआ उसको उन्होंने तुष्टीकरण की नीति मानी और विरोध में उन्होंने यूनियन कैबिनेट से इस्तीफा दिया। भारतीय जनसंघ के दृष्टि से उन्होंने काम को आगे बढ़ाया, हमारे दल के प्रथम अध्यक्ष बने। 20 राज्यों में पहुंचा मानसून, बिहार, पूर्वी यूपी, महाराष्ट्र, केरल और गोवा में झमाझम बारिश हो रही है। 9 राज्यों के लोगों को अभी भी मानसून का इंतजार है। हेमकुंड यात्रा के लिए पहला पैदल जत्था पहुंचा ऋषिकेश, जिसमें 125 तीर्थ यात्री शामिल हुए। 1100 किलोमीटर पैदल यात्रा करके श्री हेमकुंड साहिब पहुंचेंगे तीर्थ यात्री। स्थानीय हेमकुंड गुरुद्वारे में पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान जो बोले सोनिहाल के जयकारे लगाए गए, वहीं जत्थे में 92 साल के सबसे बुजुर्ग तीर्थयात्री भी शामिल हैं। केदारनाथ गुफा अगले 10 दिनों के लिए हो गई है बुक। श्रद्धालु 1500 रुपए देकर गुफा के अंदर 24 घंटे अकेले साधना कर रहे हैं। अमेरिका के विदेश विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट जिसके मुताबिक भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले जारी हैं, कार्रवाई करने में नाकाम रह रही है सरकार। करतारपुर कॉरिडोर पर नापाक शर्तों का अड़ंगा, 700 श्रद्धालुओं की अनुमति का प्रस्ताव, विशेष परमिट से प्रवेश और फीस वसूलने की रखी शर्त। अमेरिका और ईरान के बीच गहराए संकट के मद्देनजर भारत ने अपने विमानों को ईरान के एयर स्पेस से नहीं गुजरने का फैसला किया है। नगर विमानन महानिदेशालय ने फैसला लिया है कि भारतीय विमान ईरान के एयर स्पेस से गुजरने से परहेज करेंगे। पाकिस्तान चीन के जरिए भारत आने वाले नेपालियों को लेना होगा अब वीजा। आपातकाल की समयावधि बढ़ाकर श्रीलंका ने दुनिया को चौंका दिया है। मरियम नवाज ने एक बार फिर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जेल में गंभीर खतरा होने का दावा किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उनका हाल मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मोरसी जैसा नहीं होने दिया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने हांगकांग में पुलिस मुख्यालय की घेराबंदी खत्म की है। प्रत्यर्पण विधेयक को लेकर लोग सड़क पर उतर गए थे। सचिन तेंदुलकर को इमरान खान बताने पर पाकिस्तानी पीएम के सहायक बुरी तरह से हुए ट्रोल। इस पर भारत और पाकिस्तान दोनों ही तरफ से लोगों ने ट्रोल कर रहे हैं। भूकंप के झटकों से फिर दहला कैलिफोर्निया, 5.6 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। इथोपिया के सेना प्रमुख सियरे मेकोनेन की किसी ने गोली मार दी। फिलहाल सेना प्रमुख मेकोनेन की हालत कैसी है इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है। न्यूयॉर्क की एक लेखिका और लंबे वक्त तक महिलाओं की समस्याओं से जुड़े कॉलम लिखने वाली एक महिला ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर यौन हमले का आरोप लगाया है। कथित वाक्या 2 दशक से भी पहले का है। अमेरिका और ईरान में सैन्य टकराव के बढ़ते अंदेशों के बीच भारत ने हार्मोज जल डमरू मध्य से होकर गुजरने वाले अपने तेल टैंकरों की सुरक्षा बढ़ाने का
फैसला किया है। आपको बता दें कि ओमान की खाड़ी में दो भारतीय युद्धपोतों की तैनाती के बाद नौसेना अब तेल टैंकरों पर कुछ अधिकारियों को भेजेगी। अमेरिका की ओर से अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने रिपोर्ट 2019 जारी की है। मॉब लिंचिंग पर भारत को भी घेरा है। अमेरिका ने ईरान पर पाबंदी लगा दी है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान परमाणु बम नहीं बना सकता। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वित्त मंत्रालय के डॉक्यूमेंट की होगी कड़ी कार्रवाई। मोबाइल की वजह से युवाओं की खोपड़ी में निकल रहे हैं सिंह, नई रिसर्च में इसका खुलासा हुआ है। अब आधार की मदद से होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कारोबारियों को बड़ी राहत मिली। अगले हफ्ते सैमसंग लाएगा नए प्रोडक्ट्स, 3 टैबलेट्स की होगी लॉन्चिंग। सीबीआई ने भगोड़े हथियार कारोबारी संजय भंडारी के दिल्ली स्थित ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। छापेमारी में कुछ अहम दस्तावेज भी उनके हाथ लगे हैं। घाटा कम करने के लिए सरकार किराए पर देगी बीएसएनएल की फाइबर नेटवर्क। सोना अपने 6 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। सोने की कीमत 34,400 के पार हो गई है। आईआरसीटीसी का खास ऑफर, 20,000 रुपए में नैनीताल घूमने का दे रहा है मौका, जिसमें आने जाने का किराया, 3-स्टार होटल में ठहरना, लंच डिनर समेत अन्य सुविधाएं भी शामिल है। सुधार कार्य के चलते दिल्ली से लखनऊ के बीच 12 जुलाई तक कई ट्रेनें रहेंगी रद्द। अमेजॉन पर भारी सेल, 19 से 23 जून तक सभी प्रोजेक्ट पर 80% से ज्यादा छूट दी जा रही है। कंबोडिया में 7 मंजिला इमारत ढहने से 3 मजदूरों की जान चली गई है, जिसमें कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। वर्ल्ड कप के रोमांचक मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 11 रनों से शिकस्त दे दी। मोहम्मद शमी ने आखिरी ओवर में हैट्रिक लगाकर भारत को 11 रनों से जीत दिला दी और अपना नाम इतिहास में भी दर्ज करा लिया। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया है। उन्होंने 10 ओवर की गेंदबाजी में 39 रन देकर 2 विकेट लिए हैं। भारत और अफगानिस्तान के रोमांचक मैच में अहम भूमिका निभाने वाले तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने कहा है कि यह मैच काफी मुश्किल था, लेकिन उन्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा भी था। न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को 5 रनों से हरा दिया। जीत के साथ न्यूजीलैंड अंक तालिका में 11 अंकों के साथ टॉप पर काबिज है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन के बाद कप्तान सरफराज अहमद को काफी ट्रोल किया गया, जिसको लेकर पाकिस्तान समर्थन में उतर गया है और ट्रेंड कर रहा है पाकिस्तान लव सरफराज। इंग्लैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज जोस बटलर को लगता है कि विश्व कप मैच में श्रीलंका से मिली हार का कारण खराब बल्लेबाजी थी। बटलर ने कहा है कि हमने बल्ले से काफी खराब प्रदर्शन किया। विश्व कप टीम में जगह मिलने पर ऋषभ पंत ने खुशी जाहिर की है। कॉल आने के बाद सबसे पहले मां को बताया। विश्व कप में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने मलिंगा, कई दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया है।
अफगानिस्तान के खिलाफ मैच एक रन के स्कोर पर बोल्ड हो गए। इसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने जमकर उन्हें ट्रोल किया। बात रोहित शर्मा की हो रही है। आईओए ने कहा कि बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स से हट सकता है भरोसा, भारत हट सकता है। स्पेन के स्ट्राइकर रहे फर्नांडो टोरेस ने फुटबॉल को अलविदा कह दिया है। फिलहाल वो जापानी लीग में समाग 200 के लिए खेलते रहेंगे। कटरीना कैफ शादी से लौटी वापस, एयरपोर्ट पर दिखी नो मेकअप लुक में। सिंगर सोना महापात्रा ने फिल्म कबीर सिंह पर जताई आपत्ति। शाहिद को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि क्या रोल चुनने से पहले कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर प्रिया प्रकाश को स्पॉट किया गया। प्रिया ने ग्रीन कलर का टॉप और जींस पहन रखा था और बिना मेकअप के उन्हें पहचानना बेहद मुश्किल था। लीजा रे ने बेटियों का पहला बर्थडे मनाया, मिनी साड़ी में नजर आई बेटियां। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोहा अली खान छोटे बच्चों के साथ क्रिकेट पिच पर नजर आईं, जहां वो एक शूट के लिए गई थी। कंगना की आने वाली फिल्म मेंटल है क्या का नया मोशन पोस्टर जारी किया गया है। शाहरुख खान स्टारर फिल्म डॉन की अगली सीरीज का इंतजार कर रहे फैंस के लिए बुरी खबर है। डॉन 3 को लेकर ना तो प्रोड्यूसर्स दिलचस्पी दिखा रहे हैं और न ही फिल्म के हीरो शाहरुख खान। फिल्म खानदानी शफा खाना के प्रमोशन के दौरान सोनाक्षी सिन्हा और बादशाह को किया गया स्पॉट। विद्युत जामवाल मुंबई के एक स्टूडियो के बाहर स्पॉट हुए। टीएमसी सांसद और बंगाली एक्ट्रेस नुसरत जहां ने हिंदू रीति रिवाज के बाद अब क्रिश्चियन तरीके से भी निखिल जैन के साथ शादी कर ली है। पूजा हेगड़े मुंबई एयरपोर्ट पर हुई स्पॉट। हर बार की तरह इस बार भी बिग बॉस के नए सीजन को सलमान खान होस्ट करेंगे और पिछली बार के मुकाबले बिग बॉस होस्ट करने के लिए सलमान को इस बार ज्यादा बड़ी रकम दी जा रही है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बाद बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस श्रुति हासन अब हॉलीवुड की ओर भी कदम बढ़ा रही हैं। श्रुति हासन जल्द ही अमेरिकन टीवी शो ट्रेड स्टोन में नजर आएंगी। वे साउथ की पहली स्टार हैं जिन्हें अमेरिकन टीवी शो में देखा जाएगा। शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी की फिल्म कबीर सिंह ने दूसरे दिन कमाए 22 करोड़ रुपए। बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू की नई फिल्म गेम ओवर धीरे धीरे बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है। यह फिल्म 14 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने 2 हफ्ते में 9.49 करोड़ की कमाई कर ली है। सुपरस्टार सलमान खान बीते दिनों से सोशल मीडिया पर कई वीडियो शेयर कर रहे हैं। सलमान को अपनी छोटी बहन और पिता खान के बेटे आहिल के साथ मस्ती कर रहे हैं। सलमान ने ये वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया। कुणाल कपूर की फिल्म नोबल मैन की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जिसमें फिल्म की कास्ट के अलावा आमिर खान की पत्नी किरण राय समेत कई सितारे पहुंचे। अनुपम खेर अपनी आने वाली फिल्म वन डे का प्रमोशन करते हुए मुंबई में स्पॉट हुई।